नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। पूर्णिया से निर्दलीय जीते पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। न्यूज 18 को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पप्पू यादव ने कई बड़ी बातें कही। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुन लीजिए। पप्पू यादव जी, यानी पूर्णिया से जीत कर आए हैं, 47.5% वोट शेयर आपका। मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई। लखनऊ में भी आपसे भेंट हुई थी, तब भी आप कह रहे थे जीत का मुझे कॉन्फिडेंस है। आप अगर कांग्रेस से लड़े होते राजेश रंजन जी, तो आज कांग्रेस 100 पे होता, अभी 99 पे है। जी नमस्कार। नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं रहता तो 100 पर होते। बिहार, मुझे उम्मीद नहीं थी दिल्ली को लेकर के, और मुझे उम्मीद यह नहीं थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की स्थिति और बिहार। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि एक व्यक्ति के जिद के कारण, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा दिल होना चाहिए था उनका, इतने बड़े कॉज में छोटी छोटी बात कभी इन्वॉल्व हो जाता है। तो मैं उस वक्त भी बार बार कहता था कि मैं मधेपुरा चुनाव नहीं लड़ूंगा। सुपौल उन्होंने कहा मेरे बेटे के लिए, मैंने उनको भी रिफ्यूज कर दिया था। और आप एक बात समझिए, कोरोना में हम लोगों की मदद करते थे, अस्पताल जाते थे, शमशान जाते थे, लाश जलाते थे, 3 महीना लगातार हम घर से बाहर रहते, हम मर भी तो सकते थे, तो हम मर जाते। 46 लाख लोग मरे, हम भी मर सकते थे। पटना के बाढ़ में भी हम मर सकते थे, दोनों में मर सकते थे, कोई नहीं बचा था हमको, कोई डॉक्टर या कोई भगवान नहीं बचा लेते। यदि हम निर्णय लिए हमको पूर्णिया लड़ना है, तो जरूरी नहीं थी कि हम चुनाव जीतते। और जब दो दो बार पीएम आ गए पूर्णिया, 3 दिन मुख्यमंत्री रहे और 4 दिन विपक्ष के नेता 60 MLA लेकर के रहे, सारा माफिया सिस्टम ये नहीं चाहता था कि पप्पू यादव चुनाव जीते। हम तो मुस्कुराते रहते थे जी। हम तो, मेरा लक्ष्य था पूर्णिया की मिट्टी, पूर्णिया का खून, पूर्णिया का रिश्ता कोसी सीमांचल का। पर आपकी फाइट, आपकी फाइट जेडीयू से ज्यादा आरजेडी से थी। एक पॉइंट था जो कि आप परिवार को भी बताना चाहते थे, 2% का विक्ट्री मार्जिन आपका और जेडीयू के बीच में, 1 और 2 के बीच में, पर बीमा भारती जी को 2% वोट ही मिला है। ये कहीं आपने मैसेज भी पहुंचाया है राजेश? नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात समझिए, सिर्फ इतनी बात मत समझिए, 2% वोट पप्पू यादव के नहीं लड़ने से मधेपुरा, अररिया, सुपौल, जो मेरी मैडम की मधेपुरा, हम एमपी थे, हम एमएलए थे जी, झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर, आप ऐसा समझिए कि एक तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कार्यक्रम नहीं होना, और जो गठबंधन, जो साथ अखिलेश और राहुल जी, प्रियंका जी ने दिखाई जी, वो यहाँ पर उस रेस्पेक्ट को नहीं पाना। राहुल जी तो 17 सीट लेकर के समझौता अच्छे से किए, प्रियंका जी पूरा का पूरा परिवार के रिश्ते के माहौल में काम किया जी। राहुल जी ने तो मात्र 9 सीट लेकर के सब कुछ दे दिया, बोला कोई बात नहीं, गठबंधन धर्म हम निभाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के साथ गठबंधन धर्म निभाया गया, ऐसा थोड़ी नहीं है कि नहीं निभाया गया, पंजाब में कोई बातें थी, लेकिन प्रोग्राम भी आप नहीं कराओगे तो लोग आपसे उम्मीद क्या करेंगे, किस पे ट्रस्ट करेंगे? राहुल जी के 10,000 किलोमीटर का चलना और उनका गुस्सा, आम आदमी के प्रति उनकी समर्पण या उनका नीतिगत बात, कोई फालतू बात नहीं करना, कॉमन मैन से लेके ऊपर तक की बात करना, हर आदमी के लिए वो उनका एक एक। पर आप ये तो मानेंगे पप्पू यादव जी कि आपने भी एक मैसेज भेजा है, जहां आपने जितनी लड़ाई लड़ी लालू यादव जी के साथ मिलकर, उनके राइट हैंड कहे जाते थे, बड़े बेटे कहे जाते थे, आपको जिस तरह से साइडलाइन करने की कोशिश की गई, आपका एक मैसेज गया है? देखिए, पप्पू यादव को तो भगवानों साइडलाइन नहीं कर सकते। मैं ईमानदार हूं, मुझे 1 रुपया किसी की जरूरत नहीं, और मैं फालतू चीजों में नहीं रहता। मुझे कोई ऐसो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे कोई सवाब कबाब नहीं चाहिए, मैं ह्यूमैनिटी के लिए पैदा हुआ हूं, मैं अपना सब कुछ बेच बिकान के दुनिया के लिए को दे दिया हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। इस बार भी मैं जमीन बेच के चुनाव लड़ा, मैं परवाह नहीं करता किसी चीजों, मैं अपने कर्तव्यों के प्रति पागल हूं, मैं अपने दायित्व को बहुत अच्छे से समझता हूं, और मेरी आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी जो है उसको मैं खो नहीं सकता। तो मैं दो, इसीलिए लालू यादव जी का रिश्ता पप्पू यादव से पिता और बाप का रहा है, चाहे वो विपक्ष के नेता बनाने में पहले रहा हो, नीचे रहा हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा जी,
तेजस्वी जी की अपनी आइडियोलॉजी विचारधारा है, नदी के दो किनारे हैं हम जी, उनके अपने जीने के तरीके हैं, मेरे अपनी लाइफ, वो हम बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं कर सकते, हम हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, हम किसी जाति को गाली देकर के एक वोट नहीं चाहिए मुझे, तो हारना मंजूर है। मुझको लोगों ने कहा बहुत ज्यादा कि आप उससे मिल लीजिए, वोट ले लीजिए, मुझको कहा इस माफिया के यहाँ चले जाइए, मैंने कहा इसका मतलब मैं अपने आप को मार लूं, मुझको कहा डॉक्टर से मिल लीजिए, मैंने कहा नहीं मिलूंगा, अच्छे डॉक्टर से मैं डेली मिलता हूँ, मेरे सारे डॉक्टर यहाँ रिश्तेदार हैं, वोट नहीं दिया, नहीं लिए हम वोट, नहीं चाहिए ऐसी वोट हमें। तो एक, तो एक बात बताइए, आपने कहा एक नदी के दो किनारे हैं, तो कभी ये बांध बनेगा? कल नीतीश बाबू और तेजस्वी एक फ्लाइट में अगल बगल में थे, कभी पप्पू यादव और तेजस्वी यादव अगल बगल में हो तो क्या बातचीत होगी? पॉलिटिकल कंपल्शन अलग है, विचारधारा अलग है, विचारधारा में हम दोनों अलग है। वो कभी कहता है बैकवर्ड, जग जाओ फॉरवर्ड सब एक हो गया, अब वोट की बारी आ गई, औरंगाबाद में वही हुआ, मुंगेर में हम नहीं कर सकते। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, समय अल्प है राजेश रंजन जी, तो मैं आपसे अपनी शरीर दे देंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विचारधारा को गाली दे के नहीं, आप इंडी गठबंधन को समर्थन दीजिएगा, क्या कीजिएगा आप? तो आप इंडिपेंडेंट हैं, निर्दलीय हैं। देखिए मैं एक बात बता दूं, एनडीए गठबंधन के लिए गडकरी जिसे उपयुक्त प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं होगा इस देश, और यह देश नफरत नहीं चाहता, यह देश काम चाहता, वो आपका देश नीतिगत बात चाहते, वो आपका मत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप किसका समर्थन करेंगे, किसको समर्थन हम तो देंगे? हम तो आइडियोलॉजिकल आपको पता है जी, हमारा जो ब्लेसिंग और हमारा जो परसेप्शन है वो कंप्लीट ह्यूमैनिटी और सेकुलर परसेप्शन है। तो आप इंडिया के साथ हैं, बरेली हो, अमेठी हो, पूरा देश हम घूमे इस चुनाव में, ठीक, हम पूरा देश में मदद मांगने गए। तो मैंने आपसे मैंने आपको कहा था गवर्नमेंट नहीं बनेगी नरेंद्र मोदी, याद है जी? आपने कहा था और गवर्नमेंट नहीं बनी, वो अलग बात है कि गठबंधन इन लोगों ने, हाँ, आपने ये कहा था कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा, और जो जो आपने प्रेडिक्ट किया था कहीं ना कहीं लगभग वहीं पर आकर सुई रुकी है। दिल्ली कब आ रहे हैं, और दिल्ली में आपसे भी दिल्ली में फिर मुलाकात करेंगे, कब चाय फिर पियेंगे? अभी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशन, धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।